रास्ते के विवाद में दबंगों ने युवक पर लाठी डंडों से बोला हमला। गंभीर हालत में युवक जिला अस्पताल में भर्ती। मामला महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के कोडरी लालगंज गांव का। रास्ते पर अवैध कब्जे की शिकायत करना युवक को भारी पड़ गया। अवैध कब्जे की शिकायत से नाराज आधा दर्जन दबंगों ने विजयपुत्र स्वर्गीय रामेश्वर उम्र 16 वर्ष को गांव में दौड़ा दौड़ा कर जमकर पीटा। दबंगों के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को अंजाम देकर सभी हमलावर आराम से मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया। वहीं पीड़ित ने 6 लोगों को नामजद करते हुए थाने में तहरीर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरदीप है। क्या मामला हुआ है? सर, घर के सामने तालाब है, सरकारी तालाब, उसी के आना जाना है सर। घर के सामने गंदा और गंदगी फैला दे सर। मैं एक पाल आया, घर बना रहे थे, मकान में नया निर्माण कर रहे थे। मैं एक पाल आया, गिरवाया गया, एस डी एम भी आधे का तो सर अंधाई से सर दाव दबाव से रास्ता घर घर मारते, 8-10 दिन रास्ता। कौन लोग मारपीट कर रहे थे? खिलाफ पार्टी सर। क्या नाम है इनका? क्या कहते हैं, राम हरक है, मनोज है, नीरज है, उनके घर वाली है, उनके दोनों बहन। थाने गए थे सर? थाने गए थे। क्या हुआ वहाँ पे सर? थाने पे तो दो चार बार एप्लीकेशन दिया, जेल पा दिया सर, कोई वहाँ सब भगा दिया सर, थाने वालों ने भगा दिया। वहाँ कोई नया निर्माण कोई नहीं करेगा सर, तना फिर भी जबरन कब्जा कर रहे हैं सर। क्या मामला है? घर के सामने तालाब है, वहाँ सब का झपरा झुपरी पैरा लगा दिया। पैरा लगाने के बाद एसडीएम गया, दीवार उठाने लगे, एसडीएम गया, गिरवाया मेकर ने। फिर 4 एप्लीकेशन थाने में दिया, 1 रायबरेली में, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। 8 दिन से घेरे रहे रास्ता, कल मारपीट कर दिए। किसने मारपीट किया? मनोज, नीरज, रामहरक, उसकी पत्नी सीलम, माया। थाना कौन सा है? गांव कौन सा है आपका? लालगंज मजरे मोड़। थाने पे गए थे आप? जी। क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं, हमारा देवर वहाँ गया है, कोई सुनवाई नहीं। हाथ वहाँ टूट गया? हाथ टूटा है, हाथ टूटा है, गोड़ में चोट लगी है, पैर में चल नहीं पा रहे। और कौन कौन मारा, क्या नाम है उनका? सीलम है, रामहरक है, मनोज है, नीरज है, माया है।